और इस वक्त आपको खंडवा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा पहुंचे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे सरपंच सुंदर देवसी से प्रवीण काष्टी जी को जो सरपंचों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही खंडवा पहुंचे हैं शुभम तिवारी, तस्वीरें जनपद सदस्य श्री सुप्रसाद जी चौहान कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। टीवी स्क्रीन पर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं स्वागत। हमको करना है, सारे छात्रों को, यहाँ उपस्थित जनता को करना है, तो आपकी तालियां अविरल अविराम बजती रहे। और पौधा भेंट किया गया है मुख्यमंत्री मोहन यादव को, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खंडवा पहुंचे हैं सीएम, और उपहार स्वरूप एक पौधा उन्हें भेंट किया गया है। एक और पौधा हम सभी गौरवान्वित हैं। मैं हमारे सभी विधायक गणों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया आए, खंडवा विधायक, मानदाता विधायक सभी आए और नेपानगर विधायक सभी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, खंडवा से मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, स्वागत में उन्हें पौधे भेंट किए जा रहे हैं और साथ में मंत्री विजय शाह भी हैं, स्थानीय नेता बीजेपी के मंच पर मौजूद हैं और स्थानीय कार्यक्रम बहुत लंबी स्वागत सत्कार की बेला हो सकती है, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास कम है, पारंपरिक वेशभूषा अगर हम कहें तो बताना चाहूंगा आप ही की बदौलत जैकेट है, योजनाओं की बदौलत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दो छात्र हैं जो कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं और वो विशेष रूप से आज यहाँ पर आए हैं। तो जनजातीय छात्र प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह इसमें शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, आपके हाथों से अगर उनके गले में डल जाएगा तो वो बेहतर तरीके से, और स्थानीय जैकेट भी अगर हम कहें तो उसी अंदाज की जैकेट भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहनी हुई है। दोनों डॉक्टर बन रहे हैं, दोनों आदिवासी हैं और आपकी योजनाओं से इन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है 15 लाख रुपए, और छात्र छात्राओं से मुलाकात करते हुए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हम केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं और ये करके दिखा रहे हैं, ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं, देश की सेवा करेंगे। आप लोग सामने सेट जाइए, तालियां बजाइए, कितना पावन दिन है, कितना पुण्य कार्य है, बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े चार साल ये पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार आप दे रहे हैं, आपके माध्यम से आपका इसने सभी छात्रों पर बना, कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते, तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के बात के लिए कि ये पूरा क्षेत्र बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद इन्हें मिले, थैंक यू। अब आइए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान चाहूंगा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत जिले में किए गए जल संरक्षण के कार्य पर एक छोटी सी लघु फिल्म है जो हम आपके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, उस लघु फिल्म का को प्रस्तुत किया जाए, एलईडी पर सभी लोग देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन के महत्वाकांक्षी जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत 5 जून से 30 जून 2024 तक खंडवा जिले में तालाब निर्माण, जीर्णोद्धार, गहरीकरण, चेक डैम, स्टॉप डैम, खेत तालाब, कुआ, बावड़ी, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज पिट, कुल 1119 कार्य किए गए। अभियान के पूर्व में 17 लाख क्यूबिक मीटर पानी संरक्षित किया जाता था। अभियान के दौरान किए गए कार्यों के बाद 71,44,000 क्यूबिक मीटर पानी संरक्षित हो रहा है, जिससे कुल 54 लाख क्यूबिक मीटर पानी रोकने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसी तरह माननीय मंत्री डॉक्टर
और विजिस्ता जी के अथक प्रयासों से एवं उनके मार्गदर्शन में खंडवा जिले की विधानसभा हरसुद में जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत कुल 205 कार्य किए गए, जिससे 19.85 लाख क्यूबिक मीटर पानी संरक्षित किया गया है, जिससे 485 एकड़ कृषि भूमि के लिए रबी फसल हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। ब्लॉक खालवा अंतर्गत 3 नदी घोड़ा पछाड़ नदी, अग्नि नदी, गंगापाट नदी पर कुल 36 कार्य किए गए। उक्त कार्यों में उनके उद्गम स्थल से अंतिम स्थल तक किए गए, जिसके फलस्वरूप उक्त 3 नदियों को पूर्ण रूप से सेचुरेट किया गया है, जिससे 18.85 लाख क्यूबिक मीटर पानी का संरक्षण किया गया है, जिससे नदी के आसपास के कुल 2100 एकड़ कृषि भूमि के लिए रबी फसल हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और आसपास के जल स्रोतों के वाटर लेवल में भी वृद्धि हुई है। साथ ही नदी में जल प्रवाह साल भर भरा रहेगा। हमारे यहाँ जैसी जो 2 फसल में दिक्कत आती थी, अब वो 3 फसल हम ले सकते हैं, इतना पानी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हम सभी किसान भाई धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आभारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय डॉक्टर कुंवर विजय साहा, कैबिनेट मंत्री महोदय के अथक प्रयासों से जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत हरसुद विधानसभा के किसानों के कृषि कार्य एवं क्षेत्रीय आम जनता के लिए वरदान साबित होंगे। धन्यवाद। हम सभी किसान भाइयों की ओर से तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करें इस विशिष्ट योजना के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है। अब आइए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला खंडवा में 5 जून से 30 जून 2024 तक चलाए गए जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत निर्मित 251 तालाब, खेत तालाब, कुएं पर कोलेशन टैंक एवं अमृत अंतर्गत निर्मित 104 तालाबों से एकत्रित पवित्र मिट्टी से हमने एक श्री गणेश की प्रतिमा तैयार की है और उस पवित्र प्रतिमा को आज गणेश चतुर्थी के आगमन पर हम आपको सौंपना चाहते हैं। मैं माननीय कुंवर विजय साहा जी से अनुरोध करता हूं कि इस पवित्र मिट्टी से बनी हुई गणेश प्रतिमा को सौंपा जाए और पूरा सदन एक बार बोले गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब इसके पश्चात कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति के द्वारा असाधारण कार्य कैसे किए जाते हैं, इसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है माननीय मोहन यादव जी। लाली बहना योजना अंतर्गत आपने अपना दायित्व निभाया और अपनी बहनों को सगुन के रूप में 251 रुपए दिया और आज आप यहां उपस्थित हैं तो हमारी लाली बहनें भी उसी रक्षा सूत्र में बांध कर आपके लिए एक छोटी सी भेंट प्रस्तुत करना चाहती हैं। एक बार भाई बहन के प्यार के लिए भी आपकी तालियां होनी चाहिए कि ऐसे भैया और बहनें, ये चादर जो राखियों से बनाई गई है, रक्षाओं से, इसमें राखी के साथ साथ बहनों का प्यार है और आपके लिए दुआएं हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे, थोड़ा सा आगे आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाकर जनजातीय छात्र सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और मैंने पौधों से उनका स्वागत किया गया और बहनों ने एक रक्षा का सूत्र अगर हम कहें, धन्यवाद मोहन भैया, इन शब्दों के साथ बंधन जोड़ा है बहनों ने डॉक्टर मोहन यादव के साथ, भाई बहन के रिश्ते को। तालियां बजाइए, कितना पावन दिन है, कितना पुण्य का।
और मजबूत किया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं, और ये कर